पिंड की आकृति में पूजी जाऊंगी। कभी वैष्णो देवी गए हो? मां माता पार्वती पिंड के रूप में पूजी जाती है, पिंड के रूप में भी पिंड के रूप में पूजू। महाराज भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने पर्वत को घुमाया, लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। शिवरात्रि का दिन था, कई लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ है, पर पार्वती और शिव का विवाह बाद में हुआ है। शिवरात्रि के दिन अगर कुछ हुआ तो भगवान शंकर का शिवलिंग आकृति प्रकट हुई है। शंकर भगवान का जन्मोत्सव शिवरात्रि का है। कौन से दिन का है? जम के बोलिए, शिवरात्रि। भगवान शंकर लिंगायत आकृति प्रकट हुई, आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु हो चाहे 33 कोटि देवता हो, सबका पिता मैं हूं, सबका पिता। सुना ब्रह्मा जी कहने लगे मैं नहीं मानता। भगवान विष्णु से कहा इनके चरण कहाँ है, इनका सिर कहाँ है? सावन के महीने में आप लोग शंकर जी के मंदिर जा रहे होंगे, शिवलिंग देख रहे होंगे, गए हो शिवलिंग दर्शन करा? तो शिवलिंग में शंकर भगवान का मुंह कहाँ है, सिर कहाँ है, पांव कहाँ है, आपको मालूम है? कहीं जहां से जल चढ़ाओ, मन आपका। शंकर भगवान का शिवलिंग है, ब्रह्मा जी कर रहे हैं इनका सिर कहाँ है, शंकर जी का मस्तक कहाँ है और इनके चरण कहाँ है बताया जाए। भगवान विष्णु बोले मैं नहीं जानता, तो एक काम करो इनका मस्तक और चरण जानने के लिए आप चलिए। भगवान विष्णु बोले मैं चरण ढूंढने के लिए नीचे जाता हूं, आप ऊपर जाइए। ब्रह्मदेव ऊपर आकाश में भगवान शंकर का मस्तक देखने के लिए गए और भगवान विष्णु नीचे चरण देखने के लिए गए। भगवान विष्णु को मालूम था मैं कितना भी नीचे चले जाऊं पर भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण नहीं मिलेगा, क्योंकि शिवलिंग की आकृति ही नहीं, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब का चरण नहीं होता, प्रतिबिंब का मुखाग्रबिंद नहीं होता। गए भगवान नारायण नीचे, वापिस आ गए, ब्रह्मदेव ऊपर जाते गए। ब्रह्मा जी को लगा नीचे जाऊंगा तो मेरी हंसी उड़ जाएगी कि शंकर भगवान का सिर ही देख के नहीं आए, क्या करा जाए। चलते चलते बीच में ब्रह्मा जी को केतकी का पुष्प मिल गए। केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने उठाया, वृक्ष पे से तोड़ा, केतकी तू मेरे साथ चल, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का मस्तक मिल गए। केतकी का फूल बोला मैं काहे को झूठ बोलूं, व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई भला होता है, मैं झूठ काहे को बोलूं। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा केतकी के पुष्प अगर तू झूठ बोलेगा तो 33 कोटि देवताओं पर तुझे समर्पित करवाऊंगा, तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी कहने लगी चलो पर मैं तो चलूंगा, पर मेरे साथ में अगर भगवान विष्णु ने तो मेरी बात को नहीं माना तो कोई प्रूफ दूसरा कोई सबूत, तो एक काम, सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, भगवान ब्रह्मदेव ने गाय माता को बुलाया, गौ माता इधर आओ, गौ माता बोलो क्या बात है। गौ माता कहती है क्या बात है? ब्रह्मा जी कहते तुम मेरे साथ नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा को शंकर भगवान का मस्तक मिल गया। गाय बोली मैं काहे को झूठ बोलूं, ब्रह्मा जी कहते हैं सबसे पहली रोटी तुझे दिलवाऊंगा। गाय राजी हो, एक रोटी के चक्कर में राजी हो गई और एक रोटी के चक्कर में व्यक्ति झूठ बोलता है, बस वो एक रोटी का चक्कर। कितना भी बोलो, गाय बोली ठीक है चलो। नीचे गए, भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मदेव से पूछा ब्रह्मा जी आपको शंकर भगवान का मस्तक मिला? ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले नारायण आप बताओ कि आपको चरण मिले हैं भगवान के। भगवान विष्णु ने एक सत्य बोला और सारा खेल खत्म कर दिया। भगवान विष्णु बोले मुझे तो भगवान के चरण मिले ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था भगवान शंकर के चरण मिले ही नहीं सकते। अब इनमें सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, एक बार बोल दो पूरा पत्ता। अब झूठ बोलने वाले को देखो कितने प्रूफ चाहिए। ब्रह्मा जी क्या आपको भगवान शंकर का मस्तक मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ, ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछ लो। भगवान विष्णु ने केतकी के फूल को हाथ में लिया और हाथ में लेकर केतकी के पुष्प से पूछा क्यों रे केतकी, क्या तुझे ये ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का मस्तक का दर्शन किया है? केतकी का महादेव का नहीं कर पाए, इनको महादेव का मस्तक मिल गया।
शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, शंकर के शिवलिंग में से आकाशवाणी होकर कहा, यह केतकी का फूल झूठ बोल रहा। भगवान शंकर बोले, केतकी के पुष्प, तूने मेरे सामने झूठ बोला, तुझे मालूम नहीं है कि मुझे सत्य प्रिय है। शंकर को बेलपत्री चढ़ाओ मत चढ़ाओ, शंकर को धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, शंकर को जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, शंकर को दूध चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर शंकर को अगर कुछ देना है तो शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य। आप थोड़ा सत्य बोल दीजिए, शिव उसको स्वीकार कर ले। शंकर के तीन ही बिंदु हैं, सत्यम शिवम सुंदर। 33 कोटि देवता अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं। कोई भी देवता को देख लो, नारायण को देखा आपने, नारायण त्रिपुंड लगाते कि नहीं लगाते? अरे बोलो तो सरी, लगाते हैं ना, दो सफेद रेखा एक बीच में लाल रेखा, त्रिपुंड है। भगवान श्री जी बाबा भी मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं, 3 सोने की रेखा उसके ऊपर फिर लाल रेखा। शंकर भी त्रिपुंड, ब्रह्मा भी त्रिपुंड, त्रिपुंड अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम। पर दुनिया के लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए एक घिसकर लगा लिया, हम सुंदर लगे वे सत्य लग होना चाहिए, पर सत्य प्रमाणिकता, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, असत्य को प्रमाण चाहिए। भगवान शंकर बोले, ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, एक केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, तो सारे देवताओं पर तो चढ़ेगा, सुगंधित भी रहेगा, पर शंकर पर भूल से कभी नहीं चढ़ेगा। अगर केतकी के पुष्प तू शिव पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। शंकर पर सारे फूल चढ़ते हैं पर केतकी कभी नहीं चढ़ती, अगर केतकी का पुष्प शिव पर चढ़ जाए तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगता है महाराज, केतकी के पुष्प कैसे, तो शिव पर कभी नहीं चढ़ेगी, शंकर पर कभी धारण नहीं करेगी। भगवान शंकर ने कहा, इतने में तुरंत केतकी का पुष्प बोला, मेरा विश्वास नहीं है तो आप इस गौ माता से पूछ लो, सामने गाय खड़ी थी, इतने में गौ माता से पूछा, बोलो गौ माता, भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, गौ माता बोलो, क्या ब्रह्मा जी ने शंकर का शीश देखा? गौ माता बोल दी हाँ, क्योंकि गाय को 1 रोटी के चक्कर में झूठ बोलना था। शंकर भगवान के शिवलिंग में से फिर आकाशवाणी हो गई, ओ गौ माता, तू जगत की माँ कहलाती है, जगत में तू पूजी जाती है, लोग तेरी पूजन करते हैं गौ माता, और तू शंकर के सामने झूठ बोल रही है। शंकर भगवान ने कहा, गौ माता तूने 1 रोटी के चक्कर में झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा, तेरा मुख अपूज्य रहेगा क्योंकि तूने झूठ बोला। महाराज गौ माता ने झूठ बोला, इसलिए हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, केवल गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे ही विराम हो। हिंदू धर्म में गौ माता ने झूठ बोला, इसलिए कन्यादान आगे से, वस्त्रदान आगे से, स्वर्णदान आगे से, सारे अन्न दान आगे से, पर हिंदू धर्म में एक दान होता है जो पीछे से होता है, गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं किया। आज भी नियम है महाराज, बड़े बड़े अगर विद्वान होंगे और गौदान अगर उन्होंने कराया होगा तो गौदान कराने वाले व्यक्ति से गाय की पूंछ पकड़कर दान कराकर अगर परिक्रमा कराते हैं तो आगे नहीं जाने देते। गाय का दान जिस दिन दिया जाता है उस दिन गाय की परिक्रमा पीछे से दान देकर गाय के नीचे से निकलकर पूरी करी जाती है, पर गाय के सामने नहीं जाते। जिस दिन आप गौ दान करेंगे उस दिन विद्वान ब्राह्मण कह देगा, आप गाय के सामने मत जाओ, पीछे से दान करिए, नीचे से निकलकर परिक्रमा कर लीजिए, पर गाय के सम्मुख नहीं जाने देंगे, विद्वान ब्राह्मण मना कर देगा, आप सामने नहीं जाइए, झूठ बोल, तुम झूठ बोली। और गौ माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, गौ माता ने 2 बार झूठ बोला। एक बार राम सीता लक्ष्मण तीनों गया नदी के तट पर थे, फाल्गुन नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए, इतने में दशरथ जी के प्राण छूट चुके थे, दशरथ जी आ गए, दशरथ जी ने आकर कहा, राम मुझे पिंडदान दे दो, मैं तर जाऊंगा। राम जी ने कहा, पिताजी पिंड बनाने के लिए तो अक्षत चाहिए, अन्न चाहिए, मेरे पास अन्न नहीं अक्षत नहीं है, आप कल आइए मैं पिंड दूंगा।
राम जी भिक्षा के लिए गए, सीता जी दूसरे दिन स्नान करने के लिए फाल्गु नदी में गई। जैसे ही सीता माता फाल्गु नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं, दशरथ जी आकर खड़े हो जाते हैं। दशरथ जी ने कहा, बहुरानी मुझे पिंड दे दो, मैं तर जाऊं, मुझे पिंड दीजिए। सीता जी कहती हैं, पिताजी पिंड बनाने के लिए तो अन्न चाहिए, स्वामी लेने के लिए गए हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए। दशरथ जी कहते हैं, फिर तो मुझे जाना है, ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता मेरे ससुर को पिंडदान करना, क्या करूं मैं, मेरे पास अन्न नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, एक काम करो, फाल्गु नदी की रेत ले लो और बालू रेत का पिंड बनाओ। एक पिंड ब्राह्मण को दिया, दूसरा पिंड गौ माता को दिया, तीसरा पिंड फाल्गु नदी को दिया, चौथा पिंड दशरथ जी को दिया। दशरथ जी पिंड लेकर चले गए। अब जैसे ही दशरथ जी पिंड लेकर गए, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने कहा, सीता लो अन्न, पिंड बनाओ। सीता जी कहती, पिंडदान तो मैंने कर दिया, ना मानो तो पूछो ब्राह्मण देवता से। ब्राह्मण ने राम जी के हाथ में जब चावल देखे, ब्राह्मण को लगा सीता जी ने बालू रेत का पिंड दिया था, क्या मेरा पेट भराएगा, क्या बच्चों का पेट भराएगा। ब्राह्मण ने कह दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दे दिया, ब्राह्मण देवता तूने मेरे पति के सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देती हूं ब्राह्मण, तू कितना भी जोड़ लेना, तेरे हमेशा कमी ही पड़ेगी। ब्राह्मण को श्राप दिया। सीता जी ने गौ माता से कहा, गौ माता एक पिंड तो आपको भी दिया, आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान करा। गौ माता ने कहा, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दे दिया, गौ माता तो जगत की मां होकर तूने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देती हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। गाय को झूठ बोलने पर श्रापित कर। सीता जी ने हाथ जोड़कर फाल्गु नदी से कहा, नदी तू तो बोल कि मैंने पिंडदान करा है। फाल्गु नदी ने सोचा, मेरी बालू रेत मुझ में डाल दी, ऐसा कोई पिंडदान होता है। फाल्गु जी ने मना कर दिया, कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी को क्रोध आ गया। माता सीता ने कहा, फाल्गु नदी तू फाल्गु होकर तू झूठ बोली है, नदी मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। आप लोग कभी गया जी गए हो तो फाल्गु नदी पर बालू रेत जमी होती है, इतना खोदो तब उसमें पानी निकलता है, तब लोग उसमें पिंडदान करते हैं। फाल्गु को श्राप है, पूरी नदी पर कहीं पानी नहीं रहता, रेत ही रेत रहती है, पूरी नदी पर रेत, तुझे श्राप। दशरथ जी से हाथ जोड़कर निवेदन करे सीता जी ने, पिताजी मुझे झूठा ठहराया जा रहा है। दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी के बीच में से निकलकर बाहर आया। राम जी ने उस हाथ को छू लिया, हाथ पत्थर का हो गया। आज भी दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी के बीच में है, जिसमें लोग पिंडदान करने के लिए जाते हैं आज भी। तो गौ माता ने यहां भी झूठ बोला है, गौ माता ने शिव के सामने भी झूठ बोला, तो झूठ बोल गाय तो झूठ कह रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं यह आकाशवाणी झूठी है, शंकर की वाणी को झूठा ठहराया जा रहा है, यह आकाशवाणी झूठी है। इतने में भगवान शंकर आकाशवाणी करते हुए बोले, ब्रह्मा जी आप चुप हो जाइए, असत्य प्रिय नहीं है मुझे। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम किसी के भी मंदिर में बैठकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर जिंदगी में कभी शंकर की कथा में, शिव के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, दरवाजे पर, मंदिर में ओटले पर कभी झूठ मत बोलना, नहीं तो बुढ़ापा नरक जैसा निकल जाता है। जिस व्रत को हम करें उस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, बल्लभ कुल की एकादशी करो भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो। तुमसे व्रत नहीं रहा जाता, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए मोक्षार्थ। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार जितने व्रत करते हो सब छूट जाएंगे, केवल एक व्रत है जो हमारे साथ जाता है, कौन सा? एकादशी, हमारे साथ जाने वाला करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। भूखे रहते नहीं बने, इतना सारा साबूदाना की खिचड़ी बना के फ्रिज पे रख दो, चिप्स तल के कूलर पे रख दो, सिंगदाना तल के
अलमारी पे रख दो, जहां से निकलो वहीं चरो, पर एकादशी मुख्य मुख्य ना रहे। हमसे कई लोग पूछते हैं भाभी जी, कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी हम शिव पुराण करवा रहे हैं तो क्या हमको व्रत करना पड़ेगा? हमने कहा बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए। अगर आपको बीपी है, शुगर है, तो व्रत करने की जरूरत नहीं है। खूब चरो, शिव पुराण सुनो अच्छे से, मालूम पड़े व्रत कर लिया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए तुम तो डट के खाओ, तीन बार चार बार। यहां सीधी अभी कथा चालू होगी, भगवान तुमरुका जी के सामने स्वयं चंचुला देवी पूछेगी कथा सुनने का नियम क्या है, शिव महापुराण सुनने का नियम क्या है, तो कथा सुनने का नियम बताया जाएगा। भूमि पर शयन करो, पत्तल पर भोजन करो, जले भोजन का त्याग करो, फल का सेवन करो, और एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण की कथा सुनो, इतने में काम ना चले, एक समय फरियाल करो, फलहार, क्या करो? फलहार, फलहार जानते हो, केवल फल का, और शिव महापुराण की कथा सुनो, इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो, दूसरे समय फलिया, अब आया फलिया, मोरधन की खिचड़ी, साबूदाना की खिचड़ी, अब आई राजगीरे की पूरी, एक समय फलहार एक समय फरियाल करो, शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो, इतने में काम ना चले तो दोनों समय फलहार फलियार करो, पर शिव महापुराण की कथा, अरे बोलो तो सुनो, नहीं पूरी सुनो, इतने में काम नहीं चले तो एक समय फलियार करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो, और इतने में भी काम नहीं चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो, और इतने में भी काम नहीं चले तो ये हमारी तरफ से है, टिफिन लेके कथा में चलो, ऊपर तो यहां तो टिफिन की भी जरूरत नहीं है, ऐसा नीचे फुल व्यवस्था, यहां तो टिफिन की भी जरूरत नहीं। गुतड़ा जी ने बड़ा सुंदर अरेंजमेंट करा है, तुम्हारा जब तक मन लगे कथा सुनो, नीचे जाके फिर चलो, फिर ऊपर आ जाओ, फिर कथा सुनो, फिर चले जाओ, फिर आ जाओ, दिन भर चलो पर कथा 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 नहीं छोड़ो, कथा नहीं छोड़ो। नाम जपते रहो, काम भगवान शिव शंकर ओघड़ दानी की कथा कह रहे हैं। गौ माता झूठ बोल, ब्रह्मा जी को रोका गया आप मत बोलिए, पर ब्रह्मा जी असत्य बोलने से रुके नहीं है, बोले जा रहे, क्रोध आ गया, भगवान शिव ने कहा नारायण रोको ब्रह्मा को, वाणी रुकी है, नहीं रुके, क्रोध में लाल हो गए भगवान। ब्रह्मदेव ने फिर कहा यह आकाशवाणी झूठी है, शंकर स्वयं उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए, प्रकट होते से ही शंकर भगवान ने उसी समय अपने पांव के अंगूठे के नख को तोड़कर फेंका, फेंकते से ही उसमें से काल भैरव को प्रकट कर लिया, काल भैरव प्रकट हुए, काल भैरव से का काट दे ब्रह्मा का मुख, जिस मुख से वह झूठ बोल रहा, काट ब्रह्मा का मुख। काल भैरव प्रकट हुए, काल भैरव ने अपनी पांव की चीटी उंगली का नख तोड़ा, नख तोड़कर फेंका, फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया, ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटते से लुढ़कता गया, रक्त की धार ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर से, वो रक्त की धार बहने, रक्त की धार बहने ब्रह्मा के कटे हुए थे, भगवान विष्णु बोले भोलेनाथ नारायण त्रिकालदर्शी कैलाशी हे शिव, रक्त की धार बह रही है। शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मदेव के झूठ बोलने वाले मुख से जो रक्त की धार निकली है, इससे कर्मनाशा नदी प्रकट होगी। अगर इस नदी में भूल से भी कोई हाथ धो लेगा, स्नान कर लेगा, पानी पी लेगा, तो उसकी सात पीढ़ी में अगर किसी ने दादा परदादा भी अगर कोई व्रत करे हों, उपास करे हों, उद्यापन करे हों, दान करे हों, अन्न दान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, कन्या दान, या व्रत का उद्यापन पूजन अगर किसी ने करा होगा, वो सारे कर्मों को नष्ट कर देगा, ये कर्म ना कहां बहती है?
लखनऊ से इलाहाबाद के नीचे 14 किलोमीटर की नदी है शिव महापुराण में, नेट पे सर्च करोगे तो 20 किलोमीटर निकलेगा। नहीं तो आप लोग बाद में कहें गुरुजी वो तो 20 किलोमीटर की, आपने 14 किलोमीटर बोला, तो पुराण में 14 किलोमीटर लिखा। और कर्मनाशा नदी अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो वो 20 किलोमीटर निकलेगा। भारत की भूमि पर एक ही नदी है कर्मनाशा, जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए। इसमें 7 पीढ़ी में अगर किसी ने दान पुण्य व्रत उपास कुछ भी करा होगा वो सब नष्ट हो जाता है। ये ब्रह्मा के रक्त से बनी हुई नदी है। पूरी दुनिया में केवल एक नदी है जिस पर कुत्ता भी पानी नहीं पीता। अब वो कुत्ते को कौन समझाने गया कि इसमें पानी मत पीना। पूरे विश्व में एक ही नदी कर्मनाश, जिसमें पक्षी भी पानी नहीं पीता, कुत्ता भी पानी नहीं पीता, वो कर्मों का नाश करने वाली कर्मनाश है। आज भी चतुर विद्वान ब्राह्मण जन अगर अपने बच्चों का विवाह करते हैं तो कर्मनाशा के उस पार नहीं करते, क्योंकि कोई पानी का छींटा भी लग जाए तो कर्म का नाश उधर ना जाए। कर्मनाशा ब्रह्मा के रक्त से बनी कर्मनाशा। ब्रह्मा जी अभी भी उनके मुख से जो कटा हुआ शीश है वो लुढ़कते लुढ़कते जा रहा है और वो झूठ बोलते हुए जा रहा है। ये आकाशवाणी झूठी, अभी भी असत्य को प्रमाण तक दे रहे हैं ब्रह्मदेव, अभी भी असत्य को प्रमाणित कर रहे हैं। सत्य बोलिए ना, सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता। भगवान फिर निवेदन है, शिव कथा का, शिव पुराण का, शिव नाम का, शिव स्मरण का, सत्य बोल। लोग मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य। शिव पुराण कहती है किसी के दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत करो, होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत करो, डायरेक्ट जाकर कहो सेठ जी राम नाम सत्य। सेठ जी को करंट लग जाएगा, कुर्सी से नीचे गिर जाएगा, क्यों रे मेरा बुरा चाहता है। नहीं, मरने के बाद लोग बोलेंगे तब तुम नहीं बोल पाओगे, अभी मौका है। सत्यमय जीवन जियो, थोड़ा सत्यमय जियो। भगवान को भी चिंता लग गई थी, इतनी कथाएं हो रही, इतनी कथाएं हो रही, सब मर मर के